एक बार एक राजा शाम को अपने राज्य में घूमने निकला। पूरे राज्य में सब कुछ देखता जा रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क किनारे माटी में एक फकीर बैठा है और मिट्टी को हाथ में लेकर के एक बालक की भांति बच्चे की तरह उस माटी से खेल रहा है। राजा ने देखा और राजा के मन में आया कि शायद ये फकीर के पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ों की कमी है, तो क्यों ना एक राजा होने के नाते मैं इसकी थोड़ी मदद करूं। पर वो ये नहीं जानता था कि फकीरों की, संतों की मस्ती अलग होती है। राजा गया, संत से निवेदन किया कि महाराज आप मेरे राज्य में चलो और मेरे महल में रहो, मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा। फकीर मुस्कुराए और राजा से कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी चार शर्तों को तुमको मानना पड़ेगा, अगर वो शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं साथ चलूंगा। राजा ने कहा कहिए आपकी कौन सी शर्तें हैं। फकीर ने कहा मेरी पहली शर्त, मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोओगे। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर कहा कि चलो कोई नहीं, आप शर्तें आगे बताइए। फकीर ने कहा मेरी दूसरी शर्त है कि मैं खूब खाऊंगा पर तुम नहीं खाओगे, और मेरी तीसरी शर्त है मैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूंगा पर तुम नहीं पहनोगे, और मेरी चौथी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि 24 घंटे तुम मेरे पास रहोगे और मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे। अब राजा ये सुनकर के हंसने भी लगा और गुस्सा भी आया, ये कैसी शर्तें हैं? अरे मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, तो फिर राज्य को कौन संभालेगा, और वैसे भी आप खाओ आप पहनो और मैं कुछ भी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा ये चारों शर्त तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि तुम एक राज्य के बादशाह हो और तुम मुझे ये देने के लिए तैयार नहीं हो, पर तुम जानते हो मेरा बादशाह यानी मेरा भगवान ये सब शर्तें मंजूर करता है। वो खुद नहीं खाता पर मुझे खिलाता है, वो खुद कभी नहीं सोता पर मुझे सुलाता है, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे हर क्षण हर श्वास में वो मेरे साथ रहता है, वो भगवान मुझसे कभी दूर नहीं जाता। तो जब मेरे पास इतना बड़ा बादशाह है तो मैं तेरे साथ चल करके क्या करूं। राजा शर्मिंदा हो गया। सचमुच यकीन मानिए, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बादशाह और आपका सबसे बड़ा कोई हितेशी है तो वो एकमात्र आपके भगवान है। हर रोज सुबह उठकर के उन्हें धन्यवाद दीजिए कि वो आपको खिलाते हैं, सुलाते हैं, आपके साथ हर क्षण रहते हैं, और एहसास करते रहिए कि भगवान हमेशा आपके साथ मौजूद है। जय श्री राधे।